हेलो दोस्तों, गीत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी साउथ इंडियन स्टाइल में लेमन राइस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पके हुए चावल लिए हैं। चावल को एक सीटी आने तक मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पे मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें हमें लेना है आधा कप के करीबन ऑयल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो लेमन राइस हो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, ज़्यादा लोगों के लिए, 5 से 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक चम्मच के करीबन मैंने उड़द दाल लिया है। एक चम्मच के करीबन ही यहाँ पे लूँगी मैं चना दाल और फ्लेम को रखूँगी लो टू मीडियम। इसको हमें अच्छे से पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जब हल्का सी पक जाएगी तभी हम और इंग्रेडिएंट्स जो हैं यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे मूँगफली ली है, मूँगफली को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आधा कप के करीबन हमने यहाँ पे मूँगफली का इस्तेमाल किया है और गोल्डन ब्राउन हल्का सा जब होने लगे तभी हम यहाँ पे राई का इस्तेमाल करेंगे। एक चम्मच के करीबन हमने यहाँ पे राई का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने लाल मिर्च ली है 5 से 6 के करीबन, सूखी यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो आप तीखा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, घटाया बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। करी लीव्स लिए हमने यहाँ पे, करी पत्ता लिया है हमने यहाँ पे 8 से 9 के करीबन, थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। और 20 से 30 सेकंड तक हम अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए इसको पकाएंगे। जब हमारी मिर्च अच्छे से पक जाएगी तब हम यहाँ पे आधा चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो हमारा लेमन राइस है उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक। इसी तरीके से हम इसको अच्छे से पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हमें कोई भी मसाले जो अपने ऐड किए हैं, अपने मूंगफली वगैरह, इनको जलाना नहीं है। अब हमारा तड़का तैयार है, इसको हम रख देंगे साइड में। इसके बाद हम एक जो बने हुए चावल हैं उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमने पहले से ही बना के रखे हुए थे। इसके बाद हम नींबू का रस लेंगे, खट्टा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप खट्टे का इस्तेमाल करें। और जो तड़का हमने तैयार किया उसे 1 वीक के लिए आप एक सी जार में रख दीजिए। जब भी आपका मन करता है झटपट लेमन राइस खाने का, बहुत ही इजी वे में आप घर में बना सकते हैं। जितने भी आपको इस्तेमाल करना हो तड़का आप इस्तेमाल करें चावल के अकॉर्डिंग, और ऊपर से आप नींबू का इस्तेमाल करें। बहुत ही टेस्टी लेमन राइस बनके तैयार होते हैं। आप ट्रैवलिंग में इसे ले जा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बस आप हाथ का इस्तेमाल ना करें, चमचे से ही इसको चलाएं और स्टोर करके ठंडा करके इसको रख सकते हैं। 1 से 2 दिन तक आराम से आप ट्रैवल में चला सकते हैं। और ये चटनी जो मैंने रखी है इसी की चटनी के साथ आप खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये चटनी चैनल पर अवेलेबल है तो आप जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा दोस्तों और इन्जॉय करें। बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन रेसिपी है। थैंक यू सो मच।